हेलो क्लास. सो वी वर टॉकिंग अबाउट इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, और इसके हमने हिस्ट्री की बात कर रहे थे. हिस्ट्री में मैंने आपको सबसे पहले इसका प्रेजेंट लोकेशन जो है वो बताया था कि इसराइल जो है कहाँ पर पड़ता है, ठीक है, और वेस्ट बैंक कहाँ पर है, ये गाज़ा स्ट्रिप कहाँ पर है. तो प्रेजेंट लोकेशन इसराइल की, इट इंक्लूड्स वेस्ट बैंक एंड गाज़ा स्ट्रिप, ठीक है. ऑल्सो ऑन दी वेस्ट साइड, इट ऑन द ईस्ट साइड इट हैज़ जॉर्डन. एंड इसका वेस्ट बैंक नाम सिर्फ इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये डेड सी के बिल्कुल वेस्ट में इट लाइज, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं. उसके अलावा जो है हमने आगे पढ़ा था कि यहाँ पे देखिए ये डेड सी है, इसके बिल्कुल वेस्ट में इट लाइज, सो दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन नेम्ड एज वेस्ट बैंक, ठीक है. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट लोकेशन. सो दिस इज़ हाउ इसराइल लुक्स. वेस्ट बैंक ऑल्सो इंक्लूड्स जेरूसलम, एंड जेरूसलम हैज़ ऑल्सो बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशन व्हेन वी टॉक अबाउट इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट. ये आगे पढ़ेंगे किस तरह से जेरूसलम हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट लोकेशन. एंड गाज़ा स्ट्रिप जो है, गाज़ा स्ट्रिप से काफ़ी ज़्यादा हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि गाज़ा स्ट्रिप जो है वहाँ से फायरिंग हो रही है, वहाँ से अटैक्स हो रहे हैं. तो ये सारा का सारा जो डिटेल में कॉन्सेप्ट है, डिटेल में कॉन्फ्लिक्ट है, ये हम स्टडी करेंगे. आगे बढ़ते हैं. इसराइल के लेफ्ट साइड पे आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा एंड राइट साइड पे आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा. सो दैट्स हाउ इट इज़. यहाँ से जो है जॉर्डन रिवर इट फ्लोज, एंड अ डेजर्ट नोन एज निगेव डेजर्ट डेजर्ट दैट इज़ इंक्लूडेड इन योर इसराइल, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सो ऑल्सो इसराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोज़ कि इसराइल को किन किन नाम से जो है बुलाया जाता है. सो इट इज़ कनान, आलशे, लेवांट, पैलेस्टीन एंड द प्रोमिस्ड लैंड. और आगे बढ़ते हैं. हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसराइल के जो ओरिजिन की बात करें, देखो लेट 19th सेंचुरी में ओटोमन एम्पायर का फॉल हुआ था, ठीक है. और वहाँ से जो है हमें देखने को मिला था कि किस तरह से ओटोमन एम्पायर 19th सेंचुरी में इट अकर्ड एंड किस तरह से उसका फॉल हुआ था, एंड आफ्टर दैट किस तरह से पैलेस्टाइन का इमर्ज हुआ था. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें यहीं पर देखने को मिली थी. एंड देखो इसका जो ओरिजिन है, इसराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट का ओरिजिन है, इट लाइज़ इन ऑटोमन एम्पायर. सो इट लाइज़ इन ऑटोमन एम्पायर एंड इन लेट 19th सेंचुरी ऑटोमन एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिला था. एंड थोड़ी ही देर के बाद 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते तक यहाँ पे ये जो ऑटोमन एम्पायर था बहुत ही कमज़ोर पड़ गया था, ठीक है, उसके आते आते. और वहीं पर जो है हमें आगे देखने को मिलेगा, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट पिक्चर, दैट ऑटोमन एम्पायर, दिस इज़ द होल ऑटोमन एम्पायर, द ग्रीन पोर्शन इज़ होल ऑटोमन एम्पायर एंड पैलेस्टीन इज़ लोकेटेड इन दिस ऑटोमन एम्पायर. And also in 19th century, when I'm talking about Ottoman Empire and the decline of Ottoman Empire, the fall of Ottoman Empire, also in 19th century, there was a spread of nationalism in Europe. So, Europe mein bahut nationalism spread hua tha. And us time pe, इतना ज़्यादा नेशनलिज्म था, एक नेशनल आइडेंटिटी इटली और जर्मनी की बन चुकी थी. एंड इटली के लोग अपने आप को इटालियन बुलाने लगे थे और जर्मनी के लोग अपने आप को जर्मेनियंस बुला रहे थे. तो इस तरह से एक नेशनल आइडेंटिटी ऑलरेडी इमर्ज हो गई थी आफ्टर 1850, आफ्टर दिस फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ठीक है. और वहाँ पर आपको जूश का जो है, उस टाइम पे जूश का बहुत ही जूश लोगों पर अत्याचार भी देखने को मिल रहा था. सो एक जियोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जूश के टाइम पे. सो जियोनिस्ट मूवमेंट क्या थी, सी तो यहाँ पे हम लिखते हैं जूश ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है. सो जूश ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, दैट वॉज नोन एज जियोनिस्ट मूवमेंट, ठीक है. सो ये जियोनिस्ट मूवमेंट क्या थी, एक तरह का मूवमेंट था जिसमें जो जूश लोग थे ये फिर से इसराइल जाना चाहते थे. जितने भी जूश लोग थे फिर से इसराइल जाना चाहते थे, और उससे पहले जूश पे काफ़ी अत्याचार हो गए थे और जूश लोगों को इसराइल से निकाला गया था. तो बेसिकली वो सारा का सारा नेशन
ऑलमोस्ट किसके इंक्लूड करता था, जूश लोगों से इंक्लूड करता था, एंड उनको जो है उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहे थे जूश पे उस टाइम पे, ठीक है। और अत्याचार में सिर्फ जर्मनी का नहीं बोलूँगी, जब हिटलर ने एक तरह से होलोकॉस्ट किया था वो तो था ही था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इटली, पोलैंड, ठीक है, ये सब ने मिलकर जो है जूश लोगों पर काफ़ी अत्याचार किया था, इनका प्रोसिक्यूशन हुआ था। एंड 1890 के आते आते, इन द पीरियड ऑफ 1890 के आते आते, जूश लोगों की इच्छा थी कि वो अपनी पुरानी धरती पर जो है वापस लौटे, एंड वो जो पुरानी धरती थी उनकी वो थी पैलेस्टीन, ठीक है। तो उस धरती पर ये वापस लौटना चाहते थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1890, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे इस टाइम पर क्या हुआ था, स्मॉल स्केल माइग्रेशन हुआ था। सो स्मॉल स्केल माइग्रेशन हुआ था इन द पीरियड ऑफ 1819, एंड ये माइग्रेशन लार्ज स्केल पर नहीं हुआ था क्योंकि काफ़ी कम लोग थे और उनकी इच्छा थी कि वो धरती पर, अपनी धरती पर जो है वापस, अपने देश जो है वापस जाना चाहते हैं। सो एक स्मॉल स्केल माइग्रेशन हुआ था, बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन 1918 में जो हुआ था उसके आने तक ये जो माइग्रेशन था ये काफ़ी बढ़ गया था। एंड वन ऑफ द बिग रीज़न वॉज एक हमारा डिक्लेरेशन हुआ था दैट वॉज नोन एज बाल्फोर डिक्लेरेशन। सो वन ऑफ द मेन रीज़न वॉज एक डिक्लेरेशन हुआ था, और वर्ल्ड वॉर के आने तक जो माइग्रेशन था बहुत ही लार्ज स्केल तक बढ़ गया था। तो एक डिक्लेरेशन हुआ था बाय यूके, ठीक है, यूके ने ये डिक्लेरेशन साइन किया था, और ये डिक्लेरेशन जो है 1917 में साइन हुआ था, और इसमें जो ब्रिटेन को एक बिगेस्ट, देखो ब्रिटेन को एक बिगेस्ट कॉलोनियल पावर माना जाता था, ठीक है, और यहाँ से जो है बाल्फोर डिक्लेरेशन से जो है आपको इसराइल पैलेस्टीन झगड़े की जड़, जो मैं बात कर रही हूँ, एक उनकी जो जड़ थी इसराइल पैलेस्टीन की, यहाँ से आपको देखने को मिली थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत चलाक थे उस टाइम पे और उनको बिगेस्ट कॉलोनियल पावर माना जाता था उस टाइम पे। उन्होंने इंडिया तो इंक्लूड किया ही किया था अपनी कॉलोनियल पावर में, लेकिन उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड उनका एक बहुत ही लार्ज स्केल पर एक कॉलोनियल पावर बना चुके थे। और उन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स इतने चलाक थे कि उन्होंने एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया था, और सीक्रेट एग्रीमेंट में उन्होंने ये डिक्लेरेशन, पहले जो पैलेस्टीन के साथ डिक्लेरेशन साइन किया था उसमें जूश को उनका नेशनल हक देने की बात करी, उनका नेशनल जो एक राइट्स थी वो देने की बात करी, लेकिन जब लड़ाई ख़त्म होने के बाद, जब लड़ाई ख़त्म होगी, तो ब्रिटिशर्स मतलब इतने चलाक थे कि उन्होंने एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया, और सीक्रेट एग्रीमेंट था स्काइस, ठीक है। ये जो था एक एग्रीमेंट साइन किया फ्रांस और रशिया के साथ, यहाँ पर जो था इन्होंने पैलेस्टीन यूके को दे दिया, ठीक है, पैलेस्टीन ब्रिटिशर्स ने यूके के लिए रख दिया। और कौन सा देश वर्ल्ड वॉर वन के बाद किस पर कब्जा करेगा ये सब किसने डिसाइड किया, ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया। सो इतने चलाक थे उन्होंने, मतलब एक तरह से जब वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमन एम्पायर के हारने कगार पर आ गया, ये जो ऑटोमन एम्पायर था वो हारने के कगार पर आ गया, तभी जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था वो कौन थे, आर्थर बाल्फोर, ठीक है, उन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया कि हम जो ब्रिटिश हैं वो पैलेस्टाइन में जूश को उनका नेशनल हक देंगे। लेकिन लड़ाई ख़त्म होने के बाद ब्रिटिशर्स इतने चलाक निकले कि उन्होंने एक और सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया, दैट वाज नोन एज स्काइस, ठीक है, और स्काइस पाइकॉट एग्रीमेंट पूरा नाम था, स्काइस पाइकॉट एग्रीमेंट साइन किया, और इस एग्रीमेंट से जो उन्होंने पैलेस्टीन था वो यूके के लिए रख दिया, ठीक है। तो मतलब उन्होंने पहले जूश को देने की बात करी और बाद में उन्होंने यूके को पैलेस्टीन दे दिया। और इन्होंने ये चीज़ें भी इस एग्रीमेंट से डिसाइड करी कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद कौन सा देश किस पर कब्जा करेगा। तो यहाँ पर जो था, जो सीरिया था, सीरिया और जॉर्डन था, वो इन्होंने फ्रांस को दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, ये देखिए, यहाँ पर जो सीरिया आपको दिख रहा है और जॉर्डन जो दिख रहा है, ये इन्होंने फ्रांस को दे दिया, ठीक है, और कुछ इलाका जो है टर्की को, जो कुछ इलाका टर्की का था वो रशिया को दे दिया, ठीक है। ऑल्सो पैलेस्टीन प्रॉमिस टू अरब्स, पैलेस्टीन अरब्स को भी प्रॉमिस किया गया था,
लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो इतने ज़्यादा यहाँ पे एक जड़ माना जाता है इसीलिए इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चालाकी से जो है एक तरह से कब्ज़ा किया, और वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद एक पैलेस्टीन में नई सरकार बनाई जाती है, नया एम्पायर बनाया जाता है। तो इस तरह से जो है ब्रिटिशर्स पैलेस्टीन में एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, और इस एडमिनिस्ट्रेशन को, ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन के नाम से जानते हैं। सो ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को हम ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो माइग्रेशन जो थी यहाँ पर ह्यूज नंबर में हो गई थी, जो पैलेस्टीन का एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे वो, यही सारा था ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक नया चीज़ें शुरू हुई, नई जड़ शुरू हुई मूवमेंट की, और जो माइग्रेशन था बहुत ही ह्यूज नंबर में हुआ, ठीक है। जो ज्यूज थे पहले, जो एक तरह से माइग्रेट कर रहे थे, 3% माइग्रेट कर रहे थे, वो अब 3 से लेके 30% तक जो था माइग्रेशन शुरू हो गया था पैलेस्टीन में, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी चलते आ रहे थे, स्टार्टिंग से उनकी एक पॉलिसी थी, यहाँ पर भी उन्होंने एक पॉलिसी चलती आई, दैट वाज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। सो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने वापस से अपनाई, और ज्यूज, अरब्स और क्रिश्चियंस को अलग अलग रूल्स में जो है डिवाइड किया। और किसने डिवाइड किया था? ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया था। सो ज्यूज, लेकिन जो ज्यूज थे दे स्टार्टेड टू बाय द लैंड्स फ्रॉम अरब्स, ठीक है। उन्होंने अरब से ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी, ठीक है, और जो गरीब लोगों को वहाँ से भगा दिया गया, ठीक है। तो एक तरह से जो पैलेस्टीन था वहाँ पर अब ज्यूज़ का कब्ज़ा होने लगा, वो गरीबों को वहाँ से भगा रहे थे, अरब्स को वहाँ से भगा रहे थे, ज़मीनें खरीद रहे थे, ठीक है, और जो भी वहाँ मजदूरी करते थे लोग उनको भगा रहे थे। मतलब क्या था? जो लोकल पैलेस्टीन्स को वहाँ से भगा दिया गया, और वहाँ पर जो कब्ज़ा था ज्यूज़ ने कर लिया। तो इस तरह से एक ब्रिटिश मैंडेट के तहत ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिली थी। तो सेटलमेंट्स होने लगे वहाँ पे, ज्यूस सेटलमेंट्स होने लगे उस टाइम पे, ज्यूस सेटलमेंट्स हुए, ठीक है। सो अंडर ज्यूस सेटलमेंट्स ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिली, ठीक है। और यहाँ पर जो था मैंडेट फॉर पैलेस्टीन, जो मैंने आपकी बात करी, तो फ्रांस और जॉर्डन जो है वो, जॉर्डन और सीरिया जो है वो फ्रांस को दे दिया गया, ठीक है, और इराक जो है ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। इस तरह से जो है और चीज़ें जो हैं आगे सामने होकर आई थी, ठीक है। तो जो यहाँ पर अभी हम लास्ट यहाँ पे पहुँचे ये है कि देखो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, एक तरह से जो लोकल पैलेस्टीन्स थे उनको भगा दिया गया, और सारा का सारा कब्जा वहाँ पे ज्यूइश ने कर लिया, और एक नया पैलेस्टीन जो है वहाँ पर बनाया लोकल पैलेस्टीन्स को हटा के, ठीक है। और इसी मैंडेट के दौरान जो पैलेस्टीन के लोकल निवासी थे वो बाहर गए। वो कौन सा मैंडेट था आपको याद रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए? सो वो था ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन। यहाँ इस मैंडेट के तहत जो लोकल पैलेस्टीन्स थे उनको भगा दिया गया था, ठीक है। देखो 1936 में आते आते अरब्स ने रिवोल्ट किया फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि पैलेस्टीन के जो लोकल निवासी थे, बेसिकली अरब्स कौन थे? पैलेस्टीन के लोकल निवासी जो थे, तो उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, ठीक है। तो जब उन्होंने रिवोल्ट किया तो ब्रिटिशर्स ने वो रिवोल्ट सप्रेस करने के लिए ज्यूइश मिलिशिया का साथ दिया, ठीक है। और ज्यूइश मिलिशियाज कौन थे? बेसिकली ज्यूइश मिलिशियाज वो थे जिन्होंने हथियार उठाए थे। सो पहली बार जिन्होंने हथियार उठाए थे वो ज्यूइश मिलिशियाज थे, और अरब्स ने रिवोल्ट किया था 1936 के आते आते। सो 1936 के आते आते अरब्स रिवोल्टेड। जब अरब्स ने रिवोल्ट किया तो ज्यूइश ने भी हथियार उठाए, और एक ज्यूइश मिलिशिया फॉर्म्ड हुई जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, ठीक है। ज्यूइश माइग्रेशंस जो थी दे वर रिस्ट्रिक्टेड एंड
इस तरह से जो था रेबेलियन शुरू हुआ। लेकिन इस रेबेलियन के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उनको लगा कि देखो अरब्स को शांत करने के लिए कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, और उन्होंने यहाँ पर जो है अरब्स को भी शांत करना ज़रूरी था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जूश माइग्रेशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई। सो जूश माइग्रेशंस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, ठीक है, ताकि वो और लार्ज स्केल में माइग्रेट ना कर पाए। और यहाँ पर जिन्होंने जूश माइग्रेशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, क्यों, क्योंकि उनको अरब्स का भी दिखाना था कि हम जो हैं इनके साथ हैं। और अब साल में देखो 10,000 से ज़्यादा से लोग जो हैं वो माइग्रेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इन रिस्ट्रिक्शन से जूश बहुत नाराज़ हुए। अब इन रिस्ट्रिक्शन से, जब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, इन रिस्ट्रिक्शन से जूश नाराज़ बहुत हुए, और ये जितने भी जूश मिलिशियाज थे ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए, और इन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर के तहत जो है एक और मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। फिर आपको आगे देखने को मिलता है कि वर्ल्ड वॉर टू होता है, और वर्ल्ड वॉर टू होता है हमारा 1939 में। सो वर्ल्ड वॉर टू में यूरोप में भयंकर हॉलोकॉस्ट होता है, ठीक है, और ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो भयंकर हॉलोकॉस्ट होता है वर्ल्ड वॉर टू के टाइम 1931 में। ये जूश जीनोसाइड जिसको बोलते हैं हम, इसी टाइम पे जो था हिटलर ने गैस चेंबर में डाल के बहुत से जूस को इकट्ठे मारा था, ठीक है। यहाँ से एक ऐसी फीलिंग आई थी, जियोनिस्ट मूवमेंट यहाँ से बनाई जा रही थी, और बेसिकली जो जियोनिस्ट मूवमेंट पहले बनी थी उसको यहाँ पर और हवा दी गई, वर्ल्ड वॉर टू में उसको और हवा दी गई, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो बात करूँ तो मैं 42 लाख पीपल वर ऑलमोस्ट डाइड, ठीक है, इन जूश हॉलोकॉस्ट जो हुआ था, जूश जिनोसाइड हुआ था, 42 लाख पीपल डाइड इन दिस। तो ज्यूज अब देखो कहीं भाग नहीं सकते थे, ठीक है, तो कहाँ गए वो गए इसराइल, कहीं नहीं भाग सकते थे, वो वापस जाते हैं अपने देश इसराइल, ठीक है। और यहाँ से जो है, यहाँ से हमें इसराइल के क्रिएशन, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, जू वर्ल्ड वॉर टू में 1939 में जूश हॉलोकॉस्ट हुआ था, जीनोसाइड हुआ था, 42 लाख पीपल डाइड, और जूश कहाँ गए, इसराइल गए, और कहीं वो भाग नहीं सकते थे। और यहाँ से हमें देखने को मिलता है इसराइल का क्रिएशन। सो इसराइल का क्रिएशन देखने को मिलता है यहाँ पे, वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होने तक इसराइल का एक नया क्रिएशन होता है, इसराइल फॉर्म होता है, ठीक है। जो अब देखो इसराइल की जो समस्या थी ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है, ब्रिटिश ने अपने हाथ मतलब एक तरह से उठा लिए थे और यूएन को प्रॉब्लम सौंप दी थी। तो यहाँ पर यूएन रेजोल्यूशन हुआ 1947 में, जब ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ उठा लिए और सारी प्रॉब्लम किसको दे दी, यूएन को सौंप दी। सो यूएन रेजोल्यूशन होता है 1947 में, ये यूएन रेजोल्यूशन इसराइल और पैलेस्टीन के बीच होता है। इसमें क्या बोला जाता है कि वोटिंग कराई जाएगी कि जूश को अपना देश मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और जब वोट्स आते हैं, वोट्स किसके फेवर में आते हैं, वोट्स इसराइल के फेवर में गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इक्वल डिवीजन हुआ एरियाज, मतलब जूश को एक कुछ एरियाज मिला और पैलेस्टीन जो अरब स्टेट थी उनको एक और एरिया मिला। तो जूश का अलग एरिया और पैलेस्टीन का अलग एरिया हुआ, एक तरह से इक्वल डिवीजन हुआ एरियाज का बिटवीन जूश एंड पैलेस्टीन अरब स्टेट्स, ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो जेरूसलम की मैं बात करी, जेरूसलम मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया, देखो अभी मैं वापस से आपको बता देती हूँ, जेरूसलम यहाँ पे पड़ता है वेस्ट बैंक में। सो ये है आपका जेरूसलम। जेरूसलम को देखो ये किसी को देने की बात नहीं कही गई, लेकिन जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल देने की बात करी, उसको किसी को नहीं दिया गया, लेकिन उसको एक इंटरनेशनल कंट्रोल ओवर जेरूसलम बताया गया, ठीक है। यहाँ पर क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी थी इस टाइम पीरियड में, और जो पैलेस्टीन का जो नंबर था, ठीक है, वो दो हिस्सों में ऑलरेडी डिवाइड हो गया था, एक था जूश और एक था पैलेस्टीन, ठीक है, मतलब अरब स्टेट्स, तो अरब के लोग ज़्यादा थे यहाँ पे, और इंटरनेशनल कंट्रोल जो था वो जेरूसलम पर था, ठीक है, वो वहाँ पे किसी को देने की बात नहीं की गई। लेकिन देखो जो इसराइल के पड़ोसी देश ने मतलब इनको हैंडल किया, और अरब इसराइल वॉर जो थी वो कंडक्ट होती है हमारी 1948 में, अरब
इसराइल वॉर, ठीक है। बेसिकली क्यों? क्योंकि इसराइल के जो पड़ोसी देश थे वो नहीं मान रहे थे, उन्होंने मना कर दिया जेरूसलम पे इंटरनेशनल कंट्रोल। और यहाँ पर जो देखने को मिलती है, अरब इसराइल वॉर होती है 1948-49 के टाइम पे। उससे पहले जो है हमें अदरवाइज जेरूसलम को देखो, एक तरह से इंटरनेशनल कंट्रोल तो बोल दिया गया था, लेकिन इसको दोनों का ही कैपिटल माना जाता था, मतलब इसराइल का भी और पैलेस्टीन का भी। तो एक तरह से जूस स्टेट का भी और पैलेस्टीन स्टेट का भी, दोनों का कैपिटल माना जाता था, जिसको जो इसराइल के पड़ोसी देश थे उन्होंने मना कर दिया इसको मानने से। वो कहते थे इसराइल सिर्फ, जेरूसलम सिर्फ हमारा है। अब देखो यहाँ पर मैं एक और बात करती हूँ कि जेरूसलम को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई थी। बिकॉज जेरूसलम एक बहुत ही होली स्टेट माना जाता था, ठीक है। एंड वाई इट वॉज कंसिडर्ड एज अ होली स्टेट, बिकॉज यहाँ पर क्रिश्चन, मुस्लिम और जुदाइज्म तीनों का बहुत ही सुपर कंट्रोल था इस स्टेट पे। मतलब यहाँ के तीनों के रिलीजन्स बहुत माने जाते थे यहाँ पे। ये हम एक और वीडियो में स्टडी करेंगे क्यों ऐसा होता था, बट अभी के लिए आप इतना याद रखो, एक बहुत ही रिलीजियस प्लेस थी, होलीएस्ट स्टेट थी, और मुस्लिम्स के लिए तो थर्ड होली स्टेट थी आफ्टर मक्का एंड मदीना, जेरूसलम। क्यों? क्योंकि यहाँ से माना जाता था जो प्रॉफिट थे उन्होंने यहाँ से ही जन्नत का रास्ता जो है तैयार किया था। वहीं पे क्रिश्चियंस के लिए ये बहुत होली क्यों माना जाता था, क्योंकि यहाँ से जो है जीसस क्राइस्ट ने, एक तरह से उनका क्रूसीफिकेशन हुआ था, उनको फांसी पर चढ़ाया गया था, और जीसस क्राइस्ट के लिए यहाँ ये जेरूसलम बहुत ही, मतलब क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत होलीएस्ट प्लेस है। उसी तरह जुदाइज्म का भी एक अलग इसका रीजन है। सो दैट इज वाई दिस जेरूसलम इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट अभी भी। एंड यहाँ पर है जो एक मुद्दा तैयार होता है जेरूसलम पे। देखो इसके लिए मैंने आपको बताया पैलेस्टीन्स ने अपोज किया, देयरफॉर अरब इसराइल वॉर हुई। और जब अरब इसराइल वॉर हुई तो इजिप्ट, सीरिया, इराक, ट्रांस जॉर्डन, इन सब ने अटैक किया। एक जो नई स्टेट बनी थी और उसको किसने बचाया? इसराइल ने बचाया। बाउंड्रीज जो थी यहाँ पर एक्सटेंड हो गई इसराइल की, और जब बाउंड्रीज एक्सटेंड हुई तो इसराइल का जो कंट्रोल था, जो इसराइल के जो अरब लोग थे वो एज रिफ्यूजीज जो है माइग्रेट करने लगे, ठीक है। तो वहाँ से जो अरब लोग थे वो माइग्रेट करने लगे, और कम से कम भी 7 लाख से ऊपर के रिफ्यूजीज उस टाइम पे माइग्रेट हुए। अब टाइम क्या आ गया, जो गाजा स्ट्रिप था इसराइल के, मतलब ये जो वॉर था मैं बोलूँगी ये इसराइल के फेवर में गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर जो ये देखो ये है आपका मैप, ठीक है। सो 1946 में जब ब्रिटिश मैंडेट साइन हुआ तो पैलेस्टीन का कुछ नक्शा इस तरह से था, पूरा का पूरा कंट्रोल जो था वो पैलेस्टीन पे था। जब 1947 में हुआ ए वॉर हुआ, ठीक है, 48 में जो है वॉर हुआ था, और 47 में उससे पहले यूएन पार्टीशन प्लान हुआ था, जब इक्वल डिविजन्स जो है मैंने आपको बताया वो जुए स्टेट और पैलेस्टीन को अलग अलग मिल गए। तो इतना जो आप वाइट पोर्शन देख रहे हो ये सारा इसराइल है, जो ग्रीन पोर्शन देख रहे हो ये सारा पैलेस्टीन है। तो स्टार्टिंग में सारा का सारा पैलेस्टीन था, लेकिन उसके बाद जो है पैलेस्टीन श्रिंक होने लगा 1947 में, जब यूएन ब्रिटिश मैंडेट साइन हुआ, यूएन पार्टीशन प्लान साइन हुआ, तो इक्वल डिविजन की बात की गई, तो ये हिस्सा आ गया पैलेस्टीन का, ये हिस्सा आ गया इसराइल का। लेकिन 67 में जब यूएन मैंडेट वापस से साइन होता है और हमारी वॉर्स भी होती हैं बीच में, तो यहाँ पर जो इसराइल का जो एक तरह से कंट्रोल था वो किस पर आ गया, इसराइल ने गाजा स्ट्रिप पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है, इजिप्ट पर कंट्रोल कर लिया। तो इसराइल का मोस्टली जो है कंट्रोल आ गया, और वेस्ट बैंक पर जो है, वेस्ट बैंक और जॉर्डन पर जो है इसराइल ने पूरा का पूरा जो है कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से इसराइल ने अपना बाउंड्रीज जो है एक्सटेंड करी, और पैलेस्टीन की बाउंड्रीज श्रिंक होती गई,
और उसके बाद आज की डेट में हमारी जो करंट रियलिटी है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगी. सिर्फ इतना सा पोर्शन दैट इज ऑफ गाजा स्ट्रिप जो है वो पैलेस्टीन के अंदर है, वहाँ पर जो ग्रुप रूल करता है वो हमस कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन, हमस करके ग्रुप है वो रूल करता है. और ये जो ग्रीन ग्रीन आप पार्ट्स देख रहे हो ये सब पैलेस्टीन के अंडर है, और जितना भी आप वाइट पोर्शन देख रहे हो तो इसराइल के अंडर है. वहीं पर वेस्ट बैंक में, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, ओके, सो वहीं पर वेस्ट बैंक में आपको फतह ऑर्गेनाइजेशन जो है कंट्रोल करती हुई देखने को मिलेगी. और प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, सी ये हमस और फतह दोनों ही पैलेस्टीन के कंट्रोल में हैं, दोनों को ही पैलेस्टीन कंट्रोल करता है. बट द पॉइंट हेयर इज कि दोनों की जो अप्रोचेस हैं टूवर्ड्स दिस वॉर इसराइल पैलेस्टीन बहुत ही अलग हैं, इस वजह से भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, सो ये यहाँ तक जो है आपको मैप समझ आ गया था 1948 तक का, कि किस तरह से वॉर्स हुए, किस तरह से इसराइल ने कब्जा किया. एंड आफ्टर दैट इन 1967 यहाँ पे भी लिखा है, सो 1967 में आपका 6 डे वॉर हुआ था. ओके, सो तो 1967 में आपका 6 डे वॉर हुआ था. लास्ट हमने पढ़ा था 1948 का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसमें एक नया चैप्टर जो था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन स्ट्रगल बिटवीन ज्यूज एंड पैलेस्टीन अरब्स, एक नया रीजनल कॉन्टेक्स्ट बनता है. ठीक है, और फिर 6 डे वॉर हुआ है, 6 डे वॉर होता है 1967 में. और इस टाइम पीरियड पर क्या होता है, इस टाइम पीरियड पर इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया, ठीक है, इनके जो रिलेशंस थे दे वर नॉट दैट गुड, टेंशंस जो थी बढ़ गई थी इस टाइम पे. तो इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे, टेंशंस बढ़ गई थी. इजिप्ट ने अपनी जो सीमा थी इसराइल के बॉर्डर पर तैनात कर दी थी, ठीक है, और उसके बाद इसराइल ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स करी. देखो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स कौन सी होती हैं, कि कोई अगर उनको लगता है कि अब इसराइल जो है या फिर पैलेस्टीन, उनको लगेगा कि हम पर हमला भी करना ही वाला है, उनको कोई झूठी मूठी खबरें आएंगी, तो उन पर हमला होने से पहले उन्होंने जो है उन पर हमला कर दिया. तो एक तरह से प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स जो है इसराइल ने कर दी. ठीक है, यहाँ पर इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को हराया इसराइल ने और गोलन हाइट्स को छीन लिया. ठीक है, गोलन हाइट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैप में दिखा दिया था गोलन हाइट्स कहाँ पर हैं आपके मैप में, तो वहाँ से जो है इसराइल को छीन लिया गया. देखो थोड़ा सा मैप देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा. सो हेयर इट कम्स. ठीक है, तो देखो जब 6 डे वॉर होता है 1967 का, इजिप्ट, मैंने बताया आपको इजिप्ट, जॉर्डन एंड सीरिया, ठीक है, सीरिया को इसराइल ने हराता है. और यहाँ से जो है इनके बीच में, पहले स्टार्टिंग से बात करूँ तो टेंशन्स बढ़ जाती हैं, और इजिप्ट जो है अपनी जो सीमा है एकदम इसराइल के बॉर्डर पर तैनात कर देता है. इसराइल ने सिर्फ वो अपनी सीमा भी तैनात करता है, और इसी चक्कर में इसराइल इजिप्ट पर अटैक करता है और प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स करवाता है इसी शक से कि वो हम पर पहले ही स्ट्राइक कर देंगे, पहले वॉर कर देंगे, और इसराइल जो है पहले स्ट्राइक कर देता है. और यहाँ से जो है इसराइल इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन को हराता है. और जब वो उनको हराता है, और देखो इसी टाइम पे जब ये वॉर होती है, 6 डे वॉर होती है, आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगा, यहाँ मैप में शो नहीं हो रहा है, बट आपको ऊपर देखने को मिलेगा किस तरह से यहाँ पे गोलन हाइट्स करके एक बिल्कुल इसके ऊपर है गोलन हाइट्स, तो वो इसराइल छीन लेता है. ठीक है, और सीरिया के पास होता है गोलन हाइट्स, और इसराइल उससे वो छीन लेता है. ठीक है, गाजा छीन लिया जाता है इजिप्ट से, सो दिस इज गाजा, ये इजिप्ट से छीन लिया जाता है. ठीक है, देन सिनाई पेनिनसुला, यहाँ नीचे सिनाई पेनिनसुला है, यहाँ नीचे सिनाई पेनिनसुला है, वो छीन लिया जाता है. ठीक है, इजिप्ट से. और वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन के हिस्से में
वो छीन लिया जाता है जो जॉर्डन के हिस्से में था। तो इस तरह से इसराइल पर पूरा का पूरा कब्जा जो है, आज की डेट में भी हम इसराइल को इसी तरह से देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा इसराइल है, और इसराइल जो है आज की डेट में बहुत ही पावरफुल कंट्री है। उसका जो डिफेंस सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है, वेरी पावरफुल कंट्री। और इसी रीज़न की वजह से जो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सो ये 6 डे वॉर हुआ था 1967 में, जब इसराइल ने, ये देखिए, सो 6 डे वॉर होता है 1967 में, जब इसराइल ने सारा का सारा कब्जा कर लेता है पूरे के पूरे पैलेस्टीन पे ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन देखो, इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला कुछ एग्रीमेंट करके बाद में जो है इनको लौटा दिया गया था, उसकी कुछ टेरिटरी रखी थी और बाद में उसको लौटा दिया गया था। तो यहाँ पर जो है हम इतना पढ़ते हैं कि किस तरह से इसराइल ने अपना एक कंट्रोल जो है उस कंट्री पर आज की डेट में भी बनाए रखा है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम, इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये चीज़ और आपको मतलब ये वीडियोस आप चाहते हो और देखने को, अगर आपको और इसके बारे में पढ़ना है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आगे इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। और इसी तरह से जो है आपका इसराइल पैलेस्टीन का, ये जो मैंने आपको सारा हिस्ट्री आपको इसमें बताया, किस तरह से इसराइल का क्रिएशन हुआ था, किस तरह से जो है पहले पैलेस्टीन था वो इसराइल बनता है, और इसराइल ने किस तरह से उस पर कंट्रोल किया था, और फाइनली आपकी 1970, देखो फाइनली 1973 में आपका योम किपुर वॉर होता है, ठीक है। सो बेसिकली योम किपुर एक फेस्टिवल है जो जूज में मनाया जाता है, और इस फेस्टिवल पे बेसिकली ये वॉर का नाम रखा गया है योम किपुर वॉर, क्योंकि इस दिन ये वॉर हुआ था, ठीक है। यहाँ पर इजिप्ट और सीरिया ने खोए हुए हिस्से पाने के लिए फिर से इसराइल पर अटैक कर दिया। तो इजिप्ट और सीरिया ने वापस से इसराइल पर अटैक किया। इनिशियली इसराइल को देखो बहुत लॉस हुआ था जब इजिप्ट और सीरिया ने इस पर अटैक किया था, बट इसराइल ने फिर से जो है कब्ज़ा ले लिया, और वापस से बातचीत करके एक अग्रीमेंट पे पहुँचे, और कुछ अकॉर्ड साइन होता है, समझौता होता है, और इसराइल और इजिप्ट के बीच में सिनाई पेनिनसुला को लौटा दिया जाता है। बदले में इजिप्ट ने इसराइल को रेकग्निशन देता है, ठीक है। मतलब जो इसराइल है वो सिनाई पेनिनसुला लौटा देता है, और बदले में जो इजिप्ट है वो इसराइल को रेकग्निशन देता है, और इजिप्ट जो है फर्स्ट कंट्री बनता है कि वो इसराइल को रेकग्नाइज करे। सो इजिप्ट बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू रेकग्नाइज इसराइल एज अ कंट्री। सो ये सब होता है आफ्टर 1973 योम किपुर वॉर के बाद। देखो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि इजिप्ट के जो तब प्रेसिडेंट थे अनवार सदत प्रेसिडेंट थे, उनकी हत्या कर दी गई थी इस बात पर। सो ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है, क्योंकि जब उन्होंने इसराइल को रिकग्निशन दिया था तो उनके जो वहाँ पे उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के, जिनका नाम था अनवर सदत, उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन जो इसराइल थी एट दी एंड उसकी एक डिप्लोमेटिक जीत हुई। तो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए टॉपिक बन जाता है आपका इसराइल पैलेस्टीन का जो इशू है। तो क्लास यहाँ पर मैंने आपको सारा इसराइल पैलेस्टीन की सारी हिस्ट्री जो है कवर करवा देती हूँ, ठीक है। इसराइल का हमने क्रिएशन समझ लिया, किस तरह से वो स्टेट बनी। 1948 में अरब इसराइल वॉर हुआ, जिसमें जॉर्डन, इराक, सीरिया और इजिप्ट और लेबनान के बीच हुआ था। 1949 में इसराइल कंट्रोल्ड मोर देन 2/3 ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश मैंडेट, ठीक है। और उसके बाद जॉर्डन ने कंट्रोल लिया वेस्ट बैंक का, इजिप्ट का और गाजा स्ट्रिप का, ठीक है। फिर हमने 1948 कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा सा देखा। उसके बाद PLO is born, देखो पैलेस्टीन 1964 में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है। इसका पर्पस सिर्फ इतना था कि पैलेस्टीनियन जो अरब स्टेट थी, ठीक है, उसको ब्रिटिश मैंडेट के तहत उसके अंडर लाना, और ये जितना भी सारा किसके लिए बनाया गया था, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल। लेकिन 1993 में ओस्लो एकॉर्ड साइन होता है, जिसमें PLO एक्सेप्टेड इसराइल्स राइट टू एग्जिस्ट इन एक्सचेंज फॉर फॉर्मल रिकग्निशन ऑफ PLO बाय इसराइल। तो इस तरह से ये सारा चलता है। फिर मैंने आपको बताया 6 डे वॉर होता है, ये इसराइल और सीरिया के बीच में जो क्लैशेस होते हैं उनके बीच में होता है। 6 सीरियन फाइटर जेट्स
वर डिस्ट्रॉयड एट दिस टाइम. दोनों ही नेशंस ने क्लेम किया कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए फाइट कर रहे थे, क्योंकि प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स करवाई गई कि एक को लगा दूसरा करवाने लगा तो दूसरे ने सेल्फ डिफेंस में स्ट्राइक करवाई, और इसी वजह से बहुत ही मेजर लैंड गेन्स हुए इसराइल को, कि इसराइल के हाथों में गोलान हाइट्स आ गया, गाजा स्ट्रिप आ गया, सिनाई पेनिनसुला आ गया, वेस्ट बैंक आ गया, तो इसराइल को बहुत फ़ायदा हुआ इस सिक्स डे वॉर से. ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी. देन इट रिजल्टेड ऑल्सो एट द एंड, इट रिजल्टेड कॉन्टिन्यू टेंशन बिटवीन इसराइल एंड इट्स नेबर्स. तो देन फर्स्ट इंतिफिदा एंड द ओस्लो अकॉर्ड. सो फर्स्ट इंतिफिदा क्या था, 1987 में फर्स्ट इंतिफिदा ब्रोक आउट. ठीक है, जो पैलेस्टीनियन एंगर ओवर ऑनगोइंग इसराइल ऑक्यूपेशन ऑफ गाजा एंड द वेस्ट बैंक. तो एक तरह से पैलेस्टीन बहुत ही गुस्से में थे जब इसराइल ने इस तरह से गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था. जो पैलेस्टीनियन मिलिशियाज थे इन्होंने रिवोल्ट किया था. एक पीस प्रोसेस के तहत ओस्लो पीस अकॉर्ड्स जो थे वो साइन हुए थे. वो कब इनिशिएट हुआ था, 1990s में. ओस्लो वन में क्या प्लान था, फॉर मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस और इंटरिम पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए इन पार्ट्स ऑफ गाजा एंड वेस्ट बैंक. और 1995 में ओस्लो टू जो हुआ था उसमें कंप्लीट विड्रॉल बोली गई थी, इसराइल ट्रूप्स यहाँ से एकदम से निकल जाएं. कहाँ से, वेस्ट बैंक और बाकी के एरियाज जो उन्होंने साइन किए हुए हैं, जो उन्होंने हड़पे हुए हैं. तो यहाँ पर जो था एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट वापस से हो जाता है और अल्टीमेटली इट फेल्ड. तो ये चीज़ें हो जाती हैं. और फिर हमने फाइनली पढ़ा 1973 में किस तरह से योम किपुर वॉर होता है जो इनके बीच में होता है, और किस तरह से इनके बीच में कॉन्ट्रोवर्सीज वापस से बढ़ती हैं. और प्रेजेंट स्टेटस देखें तो पैलेस्टीन्स अभी तक फाइट कर रहे हैं अपनी ऑफिशियल स्टेट के लिए. ठीक है, बॉर्डर्स क्लियरली डिफाइंड नहीं हैं जिसकी वजह से और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं. गाजा स्ट्रिप में मैंने आपको बताया हमस ऑर्गेनाइजेशन है और वेस्ट बैंक में फतेह ऑर्गेनाइजेशन है. ये दोनों पैलेस्टीन्स के अंदर ही हैं, लेकिन इनका जो अप्रोच है टूवर्ड्स द वॉर, टूवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट्स, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट. दैट इज़ वाई इतना ज़्यादा ये टॉपिक जो है बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाता है. So that is how the current situation is. And this was all about your Palestine and Israel conflict. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो so please हमें comment section में बताएं. अगर आपको इसमें कुछ और जानना है, कुछ और आपको इसके बारे में knowledge चाहिए, so please do mention in the comment section below. Thank you.